सही में नाइट लाइफ का मजा लेना, फील लेना है ना, इससे बेस्ट नाइट लाइफ पूरे अमेरिका में नहीं मिलेगी आपको। ये यहाँ से तो जबरदस्त आ रहा है नजारा। Hi guys, welcome back to our channel. तो यार अब टाइम आ गया टाइम स्क्वायर जाने का। न्यूयॉर्क के काफी सारे एरिया देख लिए हम लोगों ने और अब चलते हैं टाइम स्क्वायर पर। अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर ट्रेन लिए हुए हैं और यहाँ पर रात के बज रहे हैं 10 बजे। यार 10 बजे टाइम स्क्वायर कौन जाता है, कौन जाता है पता है? हर कोई जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम स्क्वायर पर जाने का मजा रात का ही है ना। और ये ट्रेन का सफर भी है ना न्यूयॉर्क का, अब तक का हम लोग को बहुत मजा आया, थोड़ा सा बहुत कुछ हम लोग कंफ्यूज भी हुए, फाइनली हम लोग आसानी से जा रहे हैं। हर एक का ड्रीम होता है टाइम स्क्वायर पे जाना और वहाँ पे जाके पिक्चर लेना, होता है कि नहीं होता है? और अभी हम लोग टाइम स्क्वायर में वहाँ पर किसी को मिलने भी वाले हैं। एक मस्त वाला सरप्राइज है आप लोगों के। उस बंदे को इंट्रो की जरूरत है नहीं। चलो चलते आगे, बहुत मजा आने वाला है। सो फाइनली अभी हम लोग ट्रेन से उतरे और 10 मिनट वॉक करने के बाद यार हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं टाइम स्क्वायर पर। yes. और ये देखो यार रात के कितने बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं और कोई देखकर बोलेगा नहीं इतनी रात हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के कुछ दूसरे हिस्सों में 10:30 बजे ना यार पूरा खत्म, मतलब yes. कोई नहीं निकलता है बाहर 8 बजे के बाहर ही कोई नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पर लोग 5 बजे के बाद से निकलते हैं ठंडियों में सिर्फ टाइम स्क्वायर आने के लिए और रात भर लोग यहाँ पर ना चिल मारते। और टाइम स्क्वायर के बारे में कौन नहीं जानता यार, हर कोई जानता है, पूरे दुनिया में मशहूर है टाइम स्क्वायर। आओ देखते हैं यार क्या ऐसी बात है, पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। यार आप आए थे ना इसके पहले? यस, मैं आई थी, बहुत साल हो गए। बहुत साल, 6-7 साल बाद आई हूँ मैं। दिस इज लाइक न्यू टू मी, पहले भी नया ही है। और यार यहाँ की ना बहुत सारी पिक्चर्स है ना हम लोग इंस्टाग्राम पर डालने वाले, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर दो। यहाँ पे आते साथ ही अंदर से एक एनर्जी आ गई, मेरे दिन भर की जो थकान थी ना मैं उसके बारे में फिलहाल सोच ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैं नजर घुमा रहा हूँ ना यार बड़ी बड़ी स्क्रीन, जैसा मैंने ना इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज में देखा था टाइम स्क्वायर को, बिल्कुल वैसा ही। और वहाँ पर खड़े रह के ये चीज को देखना यार एक अलग एक्सपीरियंस है। अब बेस्ट बात तो ये है कि मैं यार ये एक्सपीरियंस ना इसके साथ में शेयर कर रहा हूँ, हम लोग दोनों हमेशा से यहाँ पे आना चाहते थे, ये ना मेरा भी एक हमेशा से सपना रहा है कि यार टाइम स्क्वायर के अंदर खड़े रहो रात के वक्त, आओ ठंडियाँ रहे थोड़ी थोड़ी, और देखो वही हो रहा है। तो थैंक यू सो मच गॉड, फिर से मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि यार मुझे ये मौका मिला और मैं यहाँ पर आकर मोहतरमा के साथ में अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। इसको मैं एक यूट्यूबर है बड़े से जिनकी हम लोग पहले बात कर रहे थे उनके साथ में शेयर करने वाला हूँ, आओ उनसे मिलते हैं, वो वहाँ पर सामने खड़े, देख लो कौन खड़ा है उधर। ये लो लगता है वो फोन पर है, आप लोग इनको जानते हो। थैंक यू भाई, क्या हाल है यार? बढ़िया बढ़िया, आप लोग मिलो, क्या हाल चाल है? अच्छा वीडियो ही चल रही है, ये फेस को कौन नहीं जानता है, देख लो इस चेहरे को आप सब लोग जानते हो। अच्छा भाई कैसे हो संटी भाई? यार बिल्कुल बढ़िया, आप लोग सुनाओ आप लोग कैसे हैं? तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ देखो कितना अच्छा मोमेंट है मेरे लिए, ये टाइम स्क्वायर को मैं पहली बार देख रहा हूँ कनिष के साथ में। अच्छा, और पहली बार देख रहे हैं? मैं पहली बार आया और ये भी ये तो काफी बार आई है लेकिन पहले आई थी, और ये मैं तुम दोनों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो थैंक यू गॉड मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए और मैं यहाँ पर आकर इन लोगों के साथ में टाइम स्क्वायर शेयर कर रहा हूँ। यार यार अभी जस्ट एंटर हुआ यहाँ पे, आप कब से आए यहाँ पे? आपको 10 मिनट हो गए हैं मेरे को। अच्छा हाँ, तो मैं बता दूं संटी भाई फ्लोरिडा से आए हुए हैं, कितना घंटा ड्राइव किया आपने? यार पूछो मत, 18-20 घंटे की ड्राइव होगी। बाकी संटी ड्रिंक्स ये नाम कौन नहीं जानता, ये चेहरे को कौन नहीं जानता, मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज, ये जो 17-18 घंटे ड्राइव करके आए ना, काय में करके आए हैं, काय में अब गाड़ी लेके आओ, क्या लेके आओ? स्पेशल है आप लोगों के लिए, सरप्राइज है दिखाने के लिए, अभी बता नहीं सकता मैं। मेरे को जानना है भाई वो कौन सी कार है जो 18 घंटा कंटिन्यू ड्राइव करके आयो? मैं तो बहुत बार, मैंने इससे भी लंबी की है, बट ये वाला जो सरप्राइज है हाँ। वो मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊँ, सच सच बताना, तुम भी कैमरा यूज करते हो, हम लोग भी यूज कर रहे कैमरा, हम लोग यहाँ पर कोई और लाइट की जरूरत है? यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट है, लाइट ही लाइट है, नहीं यहाँ पे लाइट ही लाइट है अगर देखोगे चारों तरफ, और इसीलिए इसे कहा जाता है टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर
जैसे हम लोग न्यूयॉर्क में काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसके पहले की भी वीडियोस आप लोग जाकर देखना, आपको सब कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। अगर जर्सी सिटी में रहते हो तो कैसे पहुंच सकते हो टाइम्स स्क्वायर पे, बिल्कुल जर्सी सिटी में रहते हो तो कैसे पहुंच सकते हो ब्रुकलिन ब्रिज पे, या पूरा गाइड आपको मिल जाएगा। मेरे चेहरे पे खुशी जो कितने आ गई, संजीव भाई को मिलकर भी बहुत ज्यादा खुशी है आप लोगों से मिलने की। अब मैं एक बात ना यहाँ पे करना चाहूंगा, संजीव भाई को भी बोलूंगा, भले अगर अभी मेरे को बोला रियान भाई ये पार्ट काट दो, आई डोंट केयर, बिकॉज़ भाई ये बंदा डिजर्व करता है। यार मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, सबसे पहली बात, ये एक ऐसा यूट्यूबर है अमेरिका में, इंडियन यूट्यूबर, जो बंदा है ना सच में डिजर्व करता है, बोलते ना जिसके बारे में मतलब बात होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स है, उनकी जड़ बोलते ना जड़ उनको बड़ा करने वाला वो भाई संटी भाई है। और ये और ये बंदा ना, और मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये इतने इतने डाउन टू अर्थ, ये ना क्रेडिट लेना नहीं चाहते। और मैंने जब मेरी इनसे फोन पे बात हुई, नहीं संजीव भाई आप डिजर्व करते हो यार, दुनिया में और इंडिया से जो भी लोग देखते हैं उनको पता चले कि भाई ये बंदे ने बहुत मेहनत की है और बहुत सारे यूट्यूबर्स को इसने बड़ा किया और उसने बताया रास्ता, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। खैर मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, हम लोगों का काम है प्यार पहुंचाना, पॉजिटिविटी पहुंचाना, बाकी लोगों की समझ है। सही बोल रहा हूँ मैं, सो मच। सबका होता है कि अगर किसी को कहीं से हेल्प मिल रही है तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि मतलब हेल्प ना करो, मेरे को हमेशा लगता है जाओ बंदे की हेल्प करो, अगर कोई बोलना चाहता है तो बोलेगा, नहीं बोलना चाहता तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता, इंसान के दिल में होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे मतलब मेरे दिल में मैंने हेल्प की, जिसकी भी कोई माने या ना माने, और यही है इनकी अच्छाई, और यही है बिकॉज ही इज सो हम्बल, हमेशा से मतलब ऐसे ही इतनी बड़ी हेल्प कर देते या कोई एडवाइस दे देते, पता भी नहीं चलता कि सामने वाले बंदे की कितनी बड़ी हेल्प हुई है। चलो यार घूमते हैं टाइम्स स्क्वायर, यार आप लोग भी मजे लो और बहुत मजा तो अभी आने वाला है। और यहाँ पर देखो यार लोग अपनी शादी के लिए भी आते हैं, मतलब शादी के फोटोग्राफी के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं और पिक्चर वगैरह खिंचाते हैं। ये देखो आगे दिखाता हूँ मैं, देखो टाइम्स स्क्वायर देखो कितना फेमस है, कितना जबरदस्त है, सोचो कितनी हैप्पी रहेगी, कितनी खुश रहेगी यहाँ पर फोटो खिंचाते हुए अपनी शादी का। हमने अपना पहला कदम रख दिया है रेड स्टेयर्स पर, कैसा लग रहा है आपके शुभ कदम यहाँ पर बढ़ाते हुए? हाँ एक अलग अलग मस्त वाली फीलिंग आ रही है, इसके बहुत सारे फोटोज हम लोगों ने देखे थे यार, तो आज इस रेड स्टेयर्स पर अपने शुभ कदम रखकर हम लोगों ने एक छोटा सा सपना भी अपना पूरा कर लिया। और टाइम्स स्क्वायर पे यहाँ से रेड स्टेयर्स के ऊपर खड़े होकर टाइम्स स्क्वायर का जो व्यू आता है ना वो एक अलग लेवल का आता है। आ जाओ ऊपर जाके देखो, चलो जल्दी चलो ऊपर यार, वाला आता है भाई यहाँ से ऊपर से पूरा टाइम्स स्क्वायर कितना जबरदस्त दिखता है। हाँ भाई बहुत जबरदस्त दिखता है ना, बिल्कुल आ जाओ और ऊपर चढ़ते भाई, ये यहाँ से तो जबरदस्त आ रहा है नजारा, क्या मस्त है ना, यहाँ से लग रहा है कि असली भाई न्यूयॉर्क में खड़े हैं। तो न्यूयॉर्क आकर रेड स्टेयर्स पर नहीं चढ़े हो तो आप न्यूयॉर्क नहीं आए हो, और ये मेरा एक सपने में से एक सपना ये भी पूरा हो गया कि यार यहाँ ऊपर खड़े होकर टाइम्स स्क्वायर को देखूं और यहाँ से पूरे टाइम्स स्क्वायर का मजा लूं। कनीज के साथ है ना एक वो टाइटैनिक का शॉट लो, टाइटैनिक यहाँ पर यहाँ टाइम्स स्क्वायर में कौन सी टाइटैनिक चली थी भाई? भाई हम चलाएंगे ना, हम इंडियन लोग कुछ भी चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। संटी भाई ने बोले तो भाई ये वाला बनता ही है, संटी भाई ने बोले है तो हमारी टाइम्स स्क्वायर पर टाइटैनिक चल रही है, टाइम्स स्क्वायर टाइटैनिक, टाइटैनिक डूबा हुआ थे ना, डूब गई डूब गई। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को यार, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ तो हमें भी पता चलेगा आप लोगों को मजा आ रहा है हम लोगों के साथ, नहीं आ रहा है टाइम्स स्क्वायर पे। यार नाइट लाइफ अगर आप लोगों को एंजॉय करना है ना, सही में नाइट लाइफ का मजा लेना है, फील लेना है ना, टाइम्स स्क्वायर पे आ जाओ, अमेरिका के या तो वेगस चले जाओ या टाइम्स स्क्वायर आ जाओ, इससे बेस्ट नाइट लाइफ पूरे अमेरिका में नहीं मिलेगी आपको। सोचो ना ये जो पीछे जो इतने सारे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं वो कितना पे करते रहेंगे ना एडवर्टीजमेंट का, जबरदस्त है ना। और यहाँ पे अपने बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनके भी यहाँ पर भाई पोस्टर वगैरह लगते हैं, और मैं एमिवे का फैन हूँ और लिवाइन का, उनके भी पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं यार। तो ये वही एरिया है भाई जहाँ पर जिसका फोटो लग गया मतलब समझ लो भाई वो सक्सेसफुल आदमी है दुनिया में। आप एक बात बताओ, जो भी न्यूयॉर्क में जॉब वगैरह करते हैं ना उनकी भाग दौड़ सी जो लाइफ है उसमें वो लोग शाम के वक्त खाली, आप सोचो आपने दिन भर अपना ऑफिस में बैठकर मेहनत की हो, ऑफिस से निकलोगे तो ऑफिस से निकलने के बाद खाली टाइम्स स्क्वायर पे आकर खड़े हो जाओ, यार यहाँ की जो वाइब है ना, जो शोर शराबा जो यहाँ का
व्यू है वो एक अलग लेवल का है। लोग यहाँ पर है ना एक अलग तरीके से यहाँ पे अपने रात को सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे नाइट को। सैटरडे संडे रात को यहाँ पे लोग किस तरीके से चिल मारते हैं, ये यहाँ पे है ना एक्चुअली सैटरडे संडे नहीं, यहाँ पे आपको डेली चिल मारते हुए लोग नजर आएंगे क्योंकि इतने टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पे। मैं तो जब भी आता हूँ ना तो यहाँ पे ऐसे ही लगता है कि मतलब सैटरडे नाइट या फ्राइडे नाइट चल रही है ना। तो मतलब न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर हफ्ते में दो ही दिन होता है, सैटरडे और संडे, जैसा इन्होंने बताया। क्यों? क्योंकि दिन में कोई भी वक्त पे आ जाओ आप लोग, रात में किसी भी वक्त में आ जाओ, दिन के किसी पर कोई भी दिन में आपको ना यहाँ पे सैटरडे संडे वाली फीलिंग ही आएगी, वही वाइब आने वाली है। कौन बोलेगा रात के 10:30 बज रहे यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो न्यूयॉर्क की सड़कों पर ही जो आपको ऐसा दिखेगा ना, इसके ऊपर ना नेशनल ज्योग्राफी वालों ने डॉक्यूमेंट्री बनाए थे कि भाई इसके नीचे होमलेस लोग रहते हैं, जब ज्यादा ठंडियां पड़ती है ना तो इसके नीचे होमलेस लोग आकर रहने लगते हैं। ऐसा नहीं सब जगह, कहीं कहीं, लेकिन पूरा एक साथ वो लोग रहने लगते हैं जब सर्दियां ज्यादा पड़ती है तो। मालूम मैंने देखे हाँ डॉक्यूमेंट्रीज में भी कि पुलिस के खबरे भी होते हैं उसमें से बहुत सारे। अच्छा, पुलिस के टिपर भी रहते हैं। मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, बट मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था कि वो दिखा रहे थे इनके अंदर रहते हैं लोग, लेकिन अभी देखो पीछे वो एक बंदा सोया हुआ ऑलरेडी। यार ये न्यूयॉर्क का ना मेरे को ये बहुत थोड़ा बहुत सैड लगता है यार। ये तो कुछ भी नहीं है, एलए जाओगे ना भाई तो ये जो पूरी स्ट्रीट है ना यहाँ से वहाँ तक टेंट सिटी है, ये दोनों आप चल ही नहीं सकते, आप डर जाओगे। अच्छा एलए में जाना पड़ेगा यार, एलए भी चलते हैं फिर बहुत जल्दी। टेंट्स लगाते हैं, टेंट सिटी। हाँ टेंट सिटी है वो, टेंट सिटी बोलते हैं क्या उसको? हाँ टेंट सिटी बोलते हैं भाई उसे। एक तरफ देखो तो चमचमाता हुआ टाइम स्क्वायर और जमीन पर देखो तो यार फिर ये सारी चीजें भी देखने के लिए मिलती है। नहीं बिल्कुल भाई, दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ है यार, और यहाँ पे न्यूयॉर्क में तो सब कुछ। हाँ न्यूयॉर्क में अमीरी और गरीबी दोनों इस तरीके की देखने की मिलती है, धूमधाम से। नहीं धूम धड़ाका छोड़ा पटाका राइट बिल्कुल भाई, जले फुलझड़िया दौड़े सत्या। यार ये देखो ये गलत है यार, खाना वेस्ट मत करो, खाना वेस्ट मत करो यार। ये वही भिखारी लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, और जिनको मिलता है ना फिर वो लोग देखो ऐसा खाने को फेंक देते हैं, ये बहुत गलत लगा मुझे देखकर। तो आप लोग प्लीज खाने को कभी मत फेंकना। तो यार वैसे ना अभी टाइम स्क्वायर से रिटर्न जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आपका मन कर रहा है संजीव भाई? भाई मेरा तो यहाँ से मन करता ही नहीं है जाने का ना। आप कभी भी आ जाओ, भले आप यहाँ पे 5 से 6 घंटा रुक जाओ, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप यहाँ से निकल कर जाओ। अच्छी चीजें देखने के लिए मिलती है यहाँ पर, इतना अच्छा नजारा देखने के लिए मिलता है, लोग देखने के लिए मिलते हैं लोग। ये देखो ये बंदा भी देखो, ऐसे ऐसे बंदे लोग भी मिल जाते हैं देखने के लिए। ये है टाइम स्क्वायर, इसका है फन, ये है रियल फन, क्या बोलते हो? बिल्कुल भाई, टाइम स्क्वायर पे तो मजा आ जाता है। यहाँ पे एनर्जी जो है ना, मतलब बोलते हैं ना बहुत हाई एनर्जी रहती है, मतलब बंदा अलग लेवल की, अलग ही लेवल है यहाँ पे, है ना? बिल्कुल भाई, अभी देखो म्यूजिक चल रहा है, नाचने का मन कर रहा है, आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ और चल रहा है, मन कर रहा है नाचने का बिल्कुल, लेकिन अभी अपने को कॉपीराइट आ जाएगा नाचेंगे ज्यादा। सो बस टाइम स्क्वायर पे आज ये था, एक दो शो होते जो यहाँ पर आज देखने के लिए मिले नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो शायद से देखने के लिए मिल जाएगा। क्या भाई न्यूयॉर्क में क्या है, जितनी बार भी आओगे ना तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, तो मैं तो जब भी आता हूँ यहाँ कुछ ना कुछ नया दिखता है ना? तो न्यूयॉर्क मतलब मैं बोलूंगा 1000 बार भी आओगे ना तब भी दिल नहीं भरेगा। ये बात तो है यार, तो अभी दोबारा मतलब फिर आना ही पड़ेगा, फिर आते हैं, और मैं तो आऊंगा। पीछे देखो बहुत फेमस ये हार्ड रॉक कैफे है, बिल्कुल। तो चलो आज के लिए इतना ही था, जैसा कि हम हर बार कहते हैं गाइज, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो हम तीनों को, जैसा कि हम हर बार कहते हैं, तब तक कि गाइज स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव। तुम लोग दोनों क्यों चिल्ला रहे हो यार, चलो वापस बोल दो, चलो बोलो अब तुम दोनों, मैं सुनता हूँ। स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव हैप्पी गाइज, ये था टाइम स्क्वायर, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में।